99 रुपीज़ में अगर मैं आपको ये प्लेटर दूंगा तो आप मना तो नहीं करोगे? What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा. कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेस्ट फूड नियर लोकल स्टेशन इन मुंबई. लेकिन इस बार हम लोग आ चुके हैं नवी मुंबई के वाशी स्टेशन के बाहर. हमने आपको सेंट्रल दिखाया, वेस्टर्न लाइन दिखा दिए, इस बार हम आ चुके हैं हार्बर लाइन के साथ. वाशी स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे खाने पीने के जॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन सेफ ये ही नहीं. वन ऑफ द रीजन इतने लोग वाशी स्टेशन उतरते हैं इज बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज योर इनऑर्बिट मॉल भी यहाँ पे है. सो बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंस को ये स्टेशन केटर करता है. स्टेशन के बाहर खाने के भी कई सारे ऑप्शन है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. लेट्स गो. आज की पहली जगह जो मैं जाने वाला हूँ वो है पॉप्स जंबो वड़ा पाव. अब नाम से आपको ये वड़ा पाव लग रहा होगा, बट वड़ा पाव के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ फूड कोर्ट नेम्ड विद पॉप्स जंबो वड़ा पाव. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, लेट्स गो एंड सी. जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, फर्स्ट प्लेस वुड बी पॉप्स जंबो वड़ा पाव. सो मेनी थिंग्स हियर अपार्ट फ्रॉम द वड़ा पाव एज वेल. एक चीज मैं आपको बता दूं, वाशी स्टेशन के बाहर बहुत जगहों पे आपको छोले भटूरे मिलेंगे. लॉट ऑफ पीपल हियर लव ईटिंग छोले भटूरे आउटसाइड वाशी स्टेशन. हमने एक कवर किया हुआ था पहले भी वाशी स्ट्रीट फूड में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो डेफिनेटली देख लीजिएगा. यहाँ पे भी छोले भटूरे काफी फेमस है पॉप्स जंबो वड़ा पाव में. लुक एट दिस. तो सबसे पहले हम ये एक भटूरा लेंगे और इसको ऐसा फोड़ेंगे, ठीक है. अगर हम भटूरे के अंदर देखें तो भटूरा इज कम्प्लीटली एम्प्टी. ये भटूरे के अंदर कुछ भी स्टफिंग नहीं की गई है. एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि अपने हाथ दिखाऊंगा तो भटूरा इतना ऑयली नहीं है. एंड साथ में हमारे पास छोले हैं, ये एक और ग्रेवी है हमारे पास यहाँ पे, एंड ये दही है उसके अंदर बूंदी डाली गई है. इसको अभी हम ट्राई करेंगे. What I'm really liking is the consistency of the chole. Only a true food lover would eat chole bhature ऐसे 40 degrees में. अभी वाशी में अराउंड 40 degrees है, हम लोग कड़ी धूप में बैठे हुए छोले भटूरे खा रहे हैं. तो भाई वाह, ये छोले भटूरे काफ़ी अलग हैं. एक चीज़ है जो जो छोले हैं उसमें काला मिर्च जो रहता है उसका डोमिनेंट टेस्ट है, बट हल्की सी खटास मुझे आ रही है. ये जो छोले हैं उनका साइज़ अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा छोटे भी नहीं है छोले. एंड छोले काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं, ऐसा नहीं कि छोले भटूरे बोल दिए तो उन्होंने ग्रेवी दे दी ज़्यादा नहीं. इट्स थिक, इट्स गुड. भटूरे ऑन दी अदर हैंड दे आर फ्लफी, दे आर सॉफ्ट, हल्के से क्रंची हैं बाहर से. छोले बहुत सॉफ्ट हैं. आई मीन स्पाइस के टर्म्स में इट्स बैलेंस प्रीटी वेल. जो मैंने पहले छोले भटूरे खाए थे इसके पहले वाशी फूड में, वो थोड़े स्पाइसी थे और उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लगी मुझे. यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत प्रॉपर है, बट दिस वॉज ऑनेस्टली क्वाइट गुड. इफ आई टॉक अबाउट द भटूरा, भटूरा काफ़ी पतला है अंदर से भी बाहर से भी. नॉर्मली भटूरे जब बहुत ऑयली होते हैं, जब बहुत मोटे होते हैं ना, तो एक भटूरे में आपका पेट भर जाता है. बट फॉर वन पर्सन आई फील दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इनफ. एंड की मैं साइड में जो ये भाजी है एक बार वो ट्राई करता हूँ. इसमें आलू और कांदा दिख रहा है मुझे. ओके, दैट ऑन द अदर एंड स्पाइसी. पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर था ये. जो ओनर है यहाँ पे शी वॉज क्वाइट स्वीट एंड शी रिकमेंडेड मी छोले भटूरे के अलावा भी एक चीज़ विच वॉज गार्लिक ब्रेड. उसके साथ उन्होंने कोल्ड कॉफी सजेस्ट की, तो हम पहले ही कोल्ड कॉफी ट्राई कर रहे हैं. हमारी गार्लिक ब्रेड बन रही है, काफ़ी अलग लग रही है मुझे कोल्ड कॉफी. उन्होंने ना ऊपर से एक स्कूप भी डाला आइसक्रीम का. यू आस्क मी द कोल्ड कॉफी इज वेरी गुड. नॉर्मली जब हम कोल्ड कॉफी पीते हैं तो उसमें बहुत ही चॉकलेटी टेस्ट आता है. काफ़ी जगहों पे व्हाट दे डू इज दे ऐड चॉकलेट सिरप, चॉकलेट आइसक्रीम्स एंड देन दे ऐड द कॉफी पाउडर. हियर इट्स प्योरली कॉफी पाउडर, जस्ट अ बिट ऑफ चॉकलेट सॉस एंड गुड क्वालिटी आइसक्रीम्स. बट एक चीज़ जो मुझे लग रही है जो हल्का ड्रॉबैक लगा कि थोड़ा और ठंडा हो सकता था. थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती तो कसम से बोलता हूँ ये वेदर में ये कोल्ड कॉफी परफेक्ट होती. टू माई सरप्राइज दिस वॉज वेरी वेरी गुड. ऊपर से जो आइसक्रीम डाली हुई है इट मेक्स इट मोर क्रीमी. काफ़ी अच्छा लगा. अब लास्ट चीज़ जो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं वो है मेल्टिंग चीज़ गार्लिक ब्रेड. बिकॉज यहाँ पे पूरे एरिया में वैसी काइंड ऑफ मेल्टिंग चीज़ गार्लिक ब्रेड कोई नहीं देता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ओनर ने मुझे बताया. इफ आई जस्ट लुक एट द ब्रेड इट्स क्वाइट क्रिस्पी एंड टोस्टेड टू परफेक्शन. यहाँ पे बहुत सारा ऑरिगेनो है, ऊपर से ढेर सारा चिली फ्लेक्स है एंड जस्ट मेल्टेड चीज़. सो लेट्स सी, दे कॉल इट अ मेल्टिंग चीज़ गार्लिक ब्रेड विच इज़ वन ऑफ अ काइंड हियर. चलो, ओहो, डिडंट नो दैट देयर विल बी
लिक्विड सॉर्ट ऑफ अ चीज, लुक एट दिस, दिस विल बी वेरी हैवी। एक चीज तो मैं अभी देखते ही समझ गया हूँ, अंदर अगर आप देखोगे तो इट्स लिक्विड चीज, ऊपर से देयर इज मोजरेला चीज एंड लॉट्स ऑफ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। ऐसी काइंड ऑफ गार्लिक ब्रेड मैंने कभी नहीं खाई। अगर मैं गार्लिक ब्रेड आपको दिखाऊंगा ना, इसमें ना दो क्वालिटी काइंड ऑफ चीज है। देखिए जो मेरी मेल्टेड चीज है वो तो बाहर आ ही चुकी है, मोजरेला चीज जो है वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसे निकल रही है एंड इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द गार्लिक, गुड फ्लेवर्ड गार्लिक ब्रेड, गार्लिक के पीसेस का मुझे अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, अंदर लिक्विड चीज है विच इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और इससे हमको आगे क्या मिलता है। तो यहाँ पे सामने से लोग आते हैं, दिस इज वाशी स्टेशन का एंट्रेंस, सो एज सून एज दे कम दे गो एंड ईट हियर एट द पॉप जंबो वड़ा पाव, और इफ दे वांट टू हैव समथिंग एल्स वो लोग यहाँ पे भी जाते हैं। सो मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन थोड़ा बेटर समझा रहा हूँ, दैट्स द वाशी स्टेशन देयर, यू कम आउट एंड यू गेट ऑल द ऑप्शंस हियर, एट द सेम टाइम यू कैन गेट ऑल द ऑप्शंस देयर एज वेल, जस्ट फॉर द इन्फो। नेक्स्ट जगह जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो है मोमोज पॉइंट के तंदूरी मोमोज। अगेन जब भी हम लोग ने यहाँ पे पॉप जंबो वड़ा पाव के अभी जो भी खाया था उसके आप थोड़ा आगे आ जाओ, लाइक 2-3 मिनट वॉक करने के बाद यू विल गेट दिस स्मॉल आउटलेट जहाँ पे आपको मोमोज मिलेंगे। प्रेडोमिनेटली यहाँ पे लोग मोमोज खाने पसंद करते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको चाइनीज मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक वेज तंदूरी मोमो ऑर्डर कर दिया है, साथ में टाइम पास मिला है मुझे, विच इज टाइम पास बेसिकली फ्राइड नूडल्स उसके साथ शेजवान चटनी। ये देखिए वन थिंग विच इज क्वाइट इंप्रेसिव अबाउट दिस मोमोज इज द साइज ऑफ द मोमो। ये देखो द साइज ऑफ द मोमो इज ह्यूज, ऊपर से एक मसाला डाला हुआ है विच आई एम अज्यूमिंग इज द चाट मसाला। लेट्स ओपन, ओके अंदर देयर इज अनियन, कैप्सिकम एंड कैबेज, दैट्स इट। एंड जो मोमो की लेयरिंग है वो काफी पतली है, मैरिनेशन लुक्स क्वाइट गुड। साथ में दो चटनीज है यहाँ पे, दिस इज अ रेड वन एंड द अदर वन इज व्हाइट, क्योंकि मैं रेड चटनी प्रेफर करता हूँ तो पहले वही ट्राई करूंगा सिर्फ। चटनी इज वेरी गुड, ये बहुत स्पाइसी है। Someone who likes their momos to be extremely spicy, we should definitely come and visit here. The coating, that's the marination of the momos, is also done quite well. Tandoori momo ki baat karte hain, we want that dahi wali marination when we eat it from the outside. So here you definitely get that. The layering of the momo is quite thin. Look at this. Agar main aapko momo ek baar khol ke dikhaunga, veggies ki quantity bhi kaafi achhi hai, and the layering is also quite thin. Again, this is spicy. Bahar se jo masala dala hua, that's a chaat masala, which is giving a nice namkeen taste. This chutney is very spicy. Raw red chilies ka taste mujhe bahut acha aa raha hai, and it's kind of a thick paste. Okay, look at this. How good this. मोमो का जो बाहर का जो लुक आपको लगेगा वो बहुत ऐसा लगेगा कि यार बहुत ब्लैक लग रहा है, क्या सड़ा हुआ है। नहीं, दिखने में अगर शायद आपको कम ज़्यादा लगे, बट व्हेन यू ईट इट यू विल डेफिनेटली गेट द टेस्ट ऑफ अ नाइस तंदूरी मोमो। अंदर से जो वेजीज हैं बहुत अच्छे से कुक किए गए हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। साइड में नूडल्स दिए हुए हैं, दैट्स अ फ्राइड नूडल्स ट्रावल्ड विद द शेजवान चटनी, ऐसा टाइम पास बोल सकते हो। जब तक आपका ऑर्डर आए तब तक आप ये फ्राइड नूडल्स एंड शेजवान चटनी खा सकते हो। स्टेशन से 2 मिनट वॉक करोगे आगे की तरफ ही है ये अगर पेस्ट है आप मोमो। मोमोज का एक्सपीरियंस तो ऑनेस्टली काफी अच्छा था, बट एक चीज जो डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे पर्सनली बोलूं कि हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था। दैट वाज वन डाउनसाइड, इवन दो द टेस्ट वाज गुड, बट हाइजीन क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं एक पॉइंट आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट द हाइजीन वॉज वेरी अंडरवेलमिंग, बहुत बिलो एवरेज मुझे हाइजीन लगा है। एक्सपेक्टेड हाइजीन टू बी जस्ट बिट बेटर, बट वो मुझे वहां देखने को चीज नहीं मिली। नेक्स्ट चीज जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वाशी स्टेशन के बाहर वो है उत्सव फूड कॉर्नर में सोया चाप। अब यहाँ पे आपको अंदर भी सीटिंग मिलती है, एसी नॉन एसी भी सीटिंग है, हम लोग अंदर काफी देर बैठ गए थे, अब खाने के लिए हम सिर्फ बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे इनका मेन्यू काफी इलैबोरेट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मोमोज मिलेंगे, सैंडविचेस मिलते हैं, फ्रेंकीज मिलते हैं, कबाब्स मिलते हैं, वेज नॉन वेज दोनों। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में, खाने के लिए बहुत सारे आउटलेट्स हैं स्टेशन के बाहर, ये उन्हीं एक में से है। वाशी स्टेशन के बाहर हर एक अपना ओनर का एक अपना इंडिविजुअल फूड कोर्ट है,
ये भी एक सॉर्ट ऑफ छोटा फूड कोर्ट ही समझ लो, उत्सव का फास्ट फूड कॉर्नर है बट इसको फूड कोर्ट समझ लो अपना। वो जो पॉप्स फास्ट फूड चेन था उसका भी अपना एक सॉर्ट ऑफ ऐसा फूड कोर्ट ही था जहाँ पे मल्टीपल फूड ऑप्शंस मिल रहे थे। फिर मोमोज पॉइंट करके जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे भी सेम ही ऐसा था। तो काफी अच्छी चीज़ है, आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में मल्टीपल चीज़ें खाने को मिलती हैं, वेज नॉन वेज बोथ। खाली पॉप्स जम्बो वड़ा पॉप सिर्फ आपको वेजिटेरियन मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दी है एक अफगानी सोया चाप। अगर आप ये सोया चाप देखोगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क ऑरेंजी है। इन्होंने क्रीम के साथ ढेर सारे मसाले भी डाले थे, अनियन है, हल्का सा धनिया उन्होंने ऊपर से डाला था, ढेर सारे मसाले हैं, ढेर सारा मेल्टेड बटर भी इन्होंने डाला था एंड देन उसको अलग से गर्म किया। लुक एट दिस, ये अफगानी सोया चाप है क्योंकि मेरे को थोड़ा कम स्पाइसी चाहिए था। यू कैन टेक अदर सोया चाप एज वेल जो काफ़ी स्पाइसी होंगे। दिस इज वेरी हैवी, हैज लोड्स एंड लोड्स ऑफ क्रीम बट इट टेस्ट गुड। दिस इज वेरी गुड। एक चीज़ है, ये सोया चाप बहुत ज़्यादा हैवी होगी, ये एक डाउन साइड पकड़ सकते हो, ये पॉजिटिव भी पकड़ सकते हो। जिनको बहुत भूख लगी है उनके लिए ये पॉजिटिव है, जिनको कम भूख लगी होगी उसके लिए शायद हैवी भी हो सकता है। दिस इज वेरी क्रीमी, अगेन दिस इज ओनली हाफ प्लेट। वेजीज में देयर आर ओनली अनियंस, वो भी रिंग अनियंस है। ये देखिए अनियंस को थोड़ा गोल गोल करके डाला गया है। सोया चाप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाहर से सोया चाप इज क्वाइट लाइक क्रिस्पी एंड क्रंची है। देखिए दिस ब्लैक कलर फ्लेवर्ड, अंदर से ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है बट टेस्ट प्रीटी गुड। यहाँ पे सोया चाप लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जितना मैंने देखा था। अब अलग चीज़ ये है कि नॉर्मली सोया चाप के साथ ग्रीन दही वाली चटनी मिलती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो चटनियाँ हैं, ये डार्क ग्रीन लग रही है और ये इनकी रेड वाली जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शेजवान होगी, तो इसको ट्राई किया जाए थोड़ा सा। वो चटनी के बिना ही अच्छी है क्योंकि वो चटनी मुझे हल्की सी खट्टी लग रही है। एक डाउन साइड जो मुझे लग रहा है वो यही रहेगा कि जो चाप है उसको थोड़ा और ग्रिल करते कड़क सोया चाप रहेगी, उसके ऊपर मैं क्रीम और बटर डाल दूंगा तो वो सोया चाप को सॉफ्ट कर ही देगा। लेकिन अगर सोया चाप ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट रहेगी उसके ऊपर मैं क्रीम एंड बटर डाल दूंगा तो वो उसको पूरा ही ऐसा मसल के रख देगा, वैसा काइंड ऑफ टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा मुझे वो टेस्ट आ रहा है। सोया चाप कड़क होती तो थोड़ा और बेटर होता बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सोया चाप टू हैव अगर आप उत्सव फूड कॉर्नर आ रहे हो। अगेन आउटसाइड स्टेशन ओनली, ये जो भी चीज़ें मैं आज खा रहा हूँ मतलब 40 से 50 मीटर की दूरी पे ही है, स्टेशन से बाहर निकल के आप वॉकिंग आ सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई। ₹99 में अगर मैं आपको ये प्लेटर दूंगा तो आप मना तो नहीं करोगे, कोई भी नहीं कर सकता। मैं आ चुका हूँ स्नैक विच में, अनदर जॉइंट आउटसाइड वाशी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं जब वॉक कर रहा था तो मैंने देखा ₹99 में, ₹149 और ₹249 में आपको कॉम्बोज मिलते हैं। तो सबसे सस्ता 99 में ये था जहाँ पे आपको शेजवान फ्राइड राइस, शेजवान नूडल्स, ग्रेवी मंचूरियन, फ्राइड नूडल्स, शेजवान चटनी एंड अ थम्स अप और अ स्प्राइट। यस, 99 रुपीज़ में आपको ये सारा का सारा मिलता है। मैंने उनको पूछा ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है कि ये बेसिकली जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या जो कॉलेज वाले हैं जो ब्रेक में आते हैं यहाँ पे खाने, बजट में उनको ये पूरा एक चाइनीज प्लेटर मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लुक एट दिस, आपने मेकिंग देख ली। सबसे पहले उन्होंने बनाया शेजवान फ्राइज, शेजवान नूडल्स, ग्रेवी मंचूरियन में है चार पीसेस, शेजवान चटनी एंड दिस इज फ्राइड नूडल्स। सबसे पहले मैं लूंगा इनके ये नूडल्स। ओ लुक एट दिस, दिस इज गुड यार। मतलब मैंने ग्रेवी भी टेस्ट किया मंचूरियन का अभी। अबाउट द नूडल्स, आई फील द वेजीज अगर थोड़ा ज्यादा उसको कुक किया जाता तो सॉफ्ट होते वेजीज। आप जब वेजीज रॉ डाल देते हो तो उनका कच्चापन रह जाता है, इसलिए आप ऑयल यूज करके या हल्का सा विनेगर डाल के उसको गलाने के लिए आप उसको कुक होने के लिए रखते हो। बट यहाँ पे वेजीज का मुझे हल्का सा यू नो दैट रॉ टेस्ट आ रहा है।
नूडल्स का लाइक एक एक दाना बोलूंगा ना, एक एक स्ट्रिंग बोलूंगा, प्रॉपर है, परफेक्ट है खिली के लिए। नूडल्स बिल्कुल भी स्पाइसी मुझे लगा नहीं, बहुत ही फ्लेवर साइड पे। ऑयल है ज्यादा, डिनाई नहीं करूंगा, मेकिंग में भी आपको लगा होगा ऑयल बहुत है, बट ठीक है, इतना भी नहीं कि आपको खाने में मजा ना आए। वेजीज हालांकि नूडल्स एंड फ्राइड राइस में दोनों में सेम है, कैप्सिकम है, ग्रीन अनियंस है, हल्का सा धनिया डाला हुआ है, तो नूडल्स मुझे अच्छे लगे। अभी हम ट्राई करेंगे उनके ये राइस, दिस इज शेजवान फ्राइड राइस। राइस एंड नूडल्स में एक चीज बहुत कॉमन है, ढेर सारे स्प्रिंग अनियंस डाले हुए हैं, जिसकी वजह से टेस्ट एंड फ्लेवर एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। राइस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार मंचूरियन ले लेंगे, वरना मंचूरियन सौगे हो जाएंगे। ये मंचूरियन ले लेंगे हम इस राइस में। मंचूरियन इज वेरी ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मंचूरियन इज एक्सट्रीमली ड्राई, इट टेस्ट लाइक इसको काफी टाइम पहले कुक किया गया था, सो आई डिडंट पर्सनली लाइक द मंचूरियन, बट भाई राइस एंड नूडल्स आर सो गुड। राइस एंड नूडल्स में स्पाइस नहीं है, स्पाइसी चाहिए तो आपको बोलिए। फ्लेवर्स ऑफ वेजिटेबल्स इज क्वाइट गुड, उन्होंने रेड सेजवान चटनी डाली थी, उसका भी स्पाइस बहुत डिसेंट आ रहा है। उसके अलावा आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप दोपहर में खाना चाहते हो, लंच के टाइम पे, अगर आप शाम से ऑफिस से आ रहे हो, या तो डिनर भी आके खा सकते हो यहाँ पे। उनकी थोड़ी शेजवान चटनी ट्राई करता हूँ। शेजवान चटनी इज वेरी गार्लिकी, हल्की सी स्वीट है, बट ओवरऑल फॉर द प्राइस पॉइंट आई फील इट्स अ वेरी गुड डील। जगह का नाम है स्नैक विच। आज की लास्ट चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो है बिक्स बीकानेर में से मैं कुछ ऐसी चीज ट्राई कर रहा हूँ जो या तो अच्छी हो सकती है या तो अच्छी शायद नहीं हो सकती है। वैसे बिक्स बीकानेर में फरसाना और जो नाश्ते के आइटम्स होते हैं जैसे ढोकला, कचौड़ी, समोसा, वो काफी फेमस है, और चाट तो बहुत फेमस है। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर वो फेमस है तो मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेट काफी भरा हुआ है एंड बहुत ह्यूमिड है, तो मैं खा नहीं पाऊंगा। और आज की लास्ट जगह हम लोग कर रहे हैं, तो सोचा कुछ पी के और सीजनल पी के आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ पे इनका आमरस ले लिया है। भाई वाह, जो अच्छा है। As I told you, this is going to be an experiment, but this is a good experiment. Pure हापुस आम का ये आमरस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा मीठा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, खट्टा मीठा भी नहीं है, प्रॉपर मीठा खुशबूदार वो हापुस आम का ये आमरस है। आम को पूरा क्रश करके जो रस निकलता है ना, एग्जैक्टली इसका टेस्ट वैसा ही है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि चलो इसमें आर्टिफिशियली कुछ डाल दिया हो। लुक एट हाउ थिक दिस इज, इट्स परफेक्ट एंड इट कॉस्ट ओनली 40 rupees। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इट वॉज अ वेरी फन डे, इट वॉज अ वेरी गुड डे एंड इट कम्स टू ईटिंग फूड। बहुत ऑप्शन है, तो चलो मैंने आपके हिसाब से शायद कम ही खाए होंगे, बट और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे खाने को, वेज एंड नॉन वेज दोनों में बहुत ऑडियंस है। तो बहुत मजा आया वाशी स्टेशन के बाहर का फूड कवर करके। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कौन से स्टेशन के बाहर का फूड मैं कवर करूँ जाके कमेंट में डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से पीस एंड स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज भाई गर्मी बहुत ज्यादा है।